हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष धवन, आपका करियर गुरु एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल की तरफ से। दोस्तों, अगर आप टर्की को टारगेट कर रहे हैं, टर्की में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बिगनर है, ये वीडियो उनके लिए भी ज़रूरी है। उनको पता लगेगा कि कंट्री टू कंट्री क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं और मुझे किस में सबसे ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो भैया सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीखना चाहते हो तो हमने एक सीरीज चला रखी है, लर्न इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। तो स्टेप बाय स्टेप इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखिए और इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस अपना शुरू करिए। तो दोस्तों, बात करते हैं टर्की की। अगर आप टर्की को टारगेट कर रहे हैं तो कौन कौन से प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करिए। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप मिनरल फ्यूल्स, ऑयल्स, डिस्टिलेशन प्रोडक्ट्स में अगर आप डील करते हैं तो आप टर्की को टारगेट करिए। लगभग 1000 मिलियन का टर्की का इम्पोर्ट है इंडिया से सिर्फ इसी प्रोडक्ट का। उसके बाद बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिकल्स। जी हाँ दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिकल्स का सबसे बड़ा इम्पोर्टर है टर्की और इंडिया से लगभग 550 मिलियन का इम्पोर्ट कराता है। तो आप भी टर्की को एक्सपोर्ट करके पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं मशीनरी की, न्यूक्लियर रिएक्टर्स की, बॉयलर्स की। तो लगभग 450 मिलियन का इम्पोर्ट है इंडिया से टर्की का। तो दोस्तों, आप भी पैसा कमाइए। इसके बाद बात करते हैं पर्ल्स यानी मोती, प्रीशियस स्टोन्स, अरे वाह, मेटल्स और क्वाइंस। तो दोस्तों, अगर आप ज्वेलरी का काम करते हैं, स्टोन्स का काम करते हैं, पर्ल्स का काम करते हैं, मोती का काम करते हैं, तो टारगेट कीजिए टर्की को, बहुत ही अच्छा फायदा होगा। 400 मिलियन का इंपोर्ट है भैया टर्की का, और क्या चाहिए आपको। फिर आप लोग बोलते हैं मार्केट नहीं है, बायर नहीं मिल रहा, तो मार्केट टारगेट करो अगर पर्ल्स और प्रीशियस स्टोन्स में डील करते हो। उसके बाद बात करते हैं कौन से प्रोडक्ट की। उसके बाद प्रोडक्ट है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, अरे वाह, 300 मिलियन का इंपोर्ट इसका भी है और सारा इंडिया से ही माल जा रहा है। यार बड़े मजे की बात है यार, टर्की तो एक बहुत अच्छा देश है। इसके बाद बात करते हैं व्हीकल्स की। तो अगर आप व्हीकल्स का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं डाइंग एक्सट्रैक्ट्स की, पिगमेंट्स की, डाइज एंड केमिकल्स की। तो इसका भी एक्सपोर्ट टर्की में बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा मार्केट मिलेगा, लगभग 225 मिलियन इसका भी है। और उसके बाद बात करते हैं प्लास्टिक की, प्लास्टिक भी टर्की में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं फार्मास्यूटिकल्स की, तो फार्मास्यूटिकल्स भी आप टर्की में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा मार्केट है। ऑप्टिकल्स, लेंसेज में काम करते हैं, चाहे वो कैमरे का हो चाहे वो चश्मे का हो, तो आपको बहुत अच्छा मार्जिन मिल जाएगा, तो ये काम कर सकते हैं। कॉटन का काम करते हैं, कॉटन यार्न का काम करते हैं, तो आपको इसका भी मार्केट बहुत अच्छा मिलेगा। रबर का काम करते हैं, योगा मैट बनता है रबर से बनता है, तो रबर के जितने भी प्रोडक्ट हैं करिए टर्की में एक्सपोर्ट और अच्छा मार्जिन कमाइए। पेपर और पेपर बोर्ड्स का काम करते हैं, तो उसका भी मार्जिन आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी पेशकश टर्की के लिए। तो दोस्तों, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना है, पता होना चाहिए कौन सी कंट्री को टारगेट करना है। 200 प्लस देश है, कंफ्यूज मत होइए, आंख बंद करके किसी भी कंट्री को सिलेक्शन मत करिए। दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए और शेयर ज़रूर करिए और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सीखते रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। We'll be right back.